अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सी मशीन टिप्स एंड ट्रिक्स बाय उमर। आज हम वीडियो बना रहे हैं ब्रदर पेसेटर की। इसमें सिलाई कढ़ाई पिको का जबरलॉक और 10 डिज़ाइनिंग है। और इसमें ये देखें आप, ये सिलाई छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, डिज़ाइन को करीब दूर करने का, ये डिज़ाइन को चौड़ा करने का ऑप्शन है। 0 पे सिलाई पे करेगी मशीन और 5 पे डिगजेक करेगी। ऊपर ये सिलेक्टर आ गया हमारा, इससे यहाँ से सिलेक्टर होगा। ये टेंशन है, डीलर हेड की एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगी हमारी मशीन की। और इसके बाद इसको चलाने का तरीका अगर प्रॉपर आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। ये देखें धागा, आप इससे पहले आपको बॉबिन वाइंडिंग का तरीका अगर सिखाते हैं। यहाँ से धागा रोल ऑन करके इसको ले जाएंगे हम बॉबिन में, इधर हल्का सा लपेट देंगे और इसको अंदर पुश करेंगे। इसके बाद मशीन हमारी बॉबिन वाइंडिंग करेगी। ये देखें आप, ये देखिए हमारी मशीन बॉबिन वाइंडिंग कर रही है। ये बॉबिन वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आगे का तरीका हम आपको सिखाते हैं। ये देखिए आप, ये बॉबिन वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। बॉबिन में धागा डालने के लिए धागा यहाँ से पास शुरू होगा, आम बॉबिन केस की तरह। और इसमें जो ये देखिए आप, दोबारा से एक बार करके दिखाना, और ये इसको ग्रिप करके हम इस तरह से अंदर आम मशीन के जैसे लगता है उसी तरह सिस्टम होता है इसके नीचे का। और ये हम इसको लगा देंगे, प्लेट इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है सफाई वगैरह के लिए। ऊपर का धागा लगाने के लिए धागा यहाँ से कट से निकलेगा, इसके बाद यहाँ प्लेटों के अंदर से पास शुरू होगा। ये देखिए टेंशन से, इसके बाद ये धागा ऊपर जाएगा, व्हील को घुमाएंगे, ये कुंडी के अंदर चला जाएगा। ये कुंडी देखें आपको नज़र आ रही है, देखिए कुंडी के अंदर से गया धागा। इसके बाद ये इस हुक में जाएगा, इसके बाद ये नीचे वाले हुक में जाएगा, और फ्रंट से धागा जो है वो हमारा नीडल के होल के अंदर चला जाएगा। ये देखें आपको दिखाते हैं, ये धागा हमारा चला जाएगा नीडल के होल में। इसको रोल करेंगे, एक राउंड देंगे हम, ये देखें धागा हमारा ऊपर आ गया। हम आपको इसका सिलाई का रिजल्ट सबसे पहले दिखाते हैं। सिलाई के लिए इसको हम ऊपर वाले ऑप्शन को जो है एडजस्टमेंट कर देंगे, छोटा बड़ा करने का है। नीचे वाले को 0 पर रखेंगे हम, और ये देखें आपको दिखाते हैं दोबारा से ऊपर। ये देखिए आप, ये एम पे रख देंगे सिलाई के लिए। देखें सेलेक्टर है, इसको एम पे रख दिया हमने। इसको छोटा बड़ा करने का है, इसको हम 4 पे रख देंगे। को हम 0 पे रख देंगे सिलाई के लिए, जिगजैग के लिए। आपको पता है नीचे वाला 5 पे जाएगा कोई भी डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये देखिए आप सिलाई का रिजल्ट देखें इसका, माशाल्लाह से बिल्कुल आउट क्लास सिलाई का अच्छा सा रिजल्ट होगा। ये देखें आपके सिलाई का रिजल्ट आउट क्लास सिलाई का रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है। इसके बाद इसको हम 5 पे कर देंगे, मशीन हमारी जिगजैग की तरफ चली जाएगी। इसके नंबर हम कम कर देंगे, 2 पे रख देंगे, तो हमारी मशीन जो है सिंपल जिगजैग करेंगे। आपको दिखाते हैं, ये देखें आप, ये देखिए ये सादा जिगजैग हो गया, सिंगल थ्रेड पे, सिंगल थ्रेड वाला जिगजैग हो गया। इसके बाद हम आपको इसके आगे के ऑप्शंस पे ले जाते हैं। अभी देखिए इसको हम ले जाएंगे 1 पे, येलो वाले डिज़ाइन पे, येलो पे ले जाएंगे 1 पे। इसको हम 4 पे कर देंगे येलो के लिए, और येलो के लिए नीचे वाले को जो हम 5 पे रखेंगे तो मशीन एक धागे पर डबल धागे वाली जिगजैग करेगी। धागा एक रहेगा, मशीन डबल थ्रेड वाली जिगजैग करेगी। ये देखें आप इसका रिजल्ट है माशाल्लाह से, ये सिंगल थ्रेड है, ये देखें डबल थ्रेड है। मशीन में धागा थ्रेड सिंगल लगा हुआ है, लेकिन ये मशीन डबल थ्रेडिंग कर रही है। अब हम आपको इसी पर रख के डबल थ्रेड वाली सिलाई भी दिखाते हैं। येलो पे रहने देंगे इसको हम, और इसको हम 4 पे कर देंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को 0 पे कर देंगे। मशीन सिंगल थ्रेड पर डबल थ्रेड वाली जिगजैग करेगी, आप सिलाई करेगी। ये देखें आप इसका रिजल्ट, ये देखें आप इसका रिजल्ट माशाल्लाह से, सिंगल थ्रेड डबल थ्रेड वाली सिलाई कर दी मशीन की। अब आगे का ऑप्शन इसके आपको हम दिखाते हैं और भी। अब इसको हम 2 पे ले जाएंगे, इसको हम 2 पे रखने के बाद इसको हम जिगजैग पे ले जाएंगे। ये देखें आप, इसको हम कम नंबर पे रखेंगे, आप 1 या 2 पे रख देंगे दूसरे डिज़ाइन के लिए।
खाली वन पे जो हम इसको लेकर जाएंगे तो उसके लिए हम ऊपर वाले सिलाई वाले ऑप्शन को, जो सिलाई बड़ा टांका छोटा बड़ा करने का, उसको हम फोर पे रखेंगे। बाकी दूसरे डिज़ाइन के लिए हम इसको वन पे रख देंगे, वन एंड हाफ पे रख देंगे। ये देखेंगे झिकझिक के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन से मशीन बना रही है, देखिए आप। अभी देखें दूसरे डिज़ाइन की तरफ जाते हैं हम, इनको डिज़ाइन बनाते हुए हम कम पे रखेंगे। और ये देखिए जिगजैग के लिए हम इसको फाइव पे रखेंगे। नीचे वाले को देखिए आप, मशीन की स्पीड भी बहुत आउट क्लास स्पीड है, अच्छी स्पीड है माशाल्लाह से। और ये ब्रदर का बहुत अच्छा मॉडल है, पायदार मॉडल है। जो इनको चलाते हैं इस मॉडल को लोग चलाते हैं, उनको इस मॉडल के बारे में आइडिया होगा, ये पायदार और अच्छा कामयाब मॉडल है। ये देखिए आप इसका रिजल्ट देखिए माशाल्लाह से, तो अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए आप आगे का रिजल्ट आपको हम इसका दिखाते हैं। ये देखिए आप आगे का रिजल्ट देखेंगे, देखिए आप खूबसूरत डिज़ाइन बना रही मशीन हमारी माशाल्लाह से। अब देखिए हम इनको आपको इसके दूसरे डिज़ाइन भी दिखाते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाते हैं इसके भरे हुए डिज़ाइन के लिए हम इसको वन एंड टू के सेंटर में रख देंगे, वन एंड हाफ पे रख देंगे। और ये देखें आप, ये मशीन हमारी जो है ना भरे हुए डिज़ाइन जो होते हैं फ्रॉक्स वगैरह में जो डिज़ाइन बनते हैं वो बना रही है, देखें आप। ये देखिए आप इसका रिजल्ट, ये भरा हुआ डिज़ाइन आगे कितना खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है मशीन के लिए, देखिए आप। आगे इसका आपको एक और भरा हुआ डिज़ाइन दिखाते हैं। इसमें देखिए कलर ऑप्शंस भी दिए हुए, कलर से कलर मैच करके भी आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। जिस कलर पे डिज़ाइन रखा उस कलर पे आप लीवर की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें ये सिस्टम कैटलॉग सिस्टम बना हुआ होता है ब्रदर की मशीन में, इसमें कैसेटर में। ये देखें एक और हमने भरा हुआ डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप फोकस करें, ये देखिए इसका आप देखिए, तो हम आपको पीको का तरीका कार सिखाते हैं। देखिए पीको के लिए फूड निकल जाएगा और जो ये हमारा पीको का फूड जो है ये लग जाएगा। पीको का फूड लगाने के बाद जो हम आपको उसका पीको का रिजल्ट भी दिखाते हैं। ये मशीन पीको भी बहुत फाइन रिजल्ट में करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट में करती है। देखिए पीको में जो है ना ये इसको हम एम पे रखेंगे, इसको हम वन पे रख देंगे या वन एंड हाफ पे रख देंगे, इसको हम फाइव पे रख देंगे। कुछ दिन अगर पीको के लिए टू पे रखना चाहें तो टू पे रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा पीको का डिज़ाइन बनेगा हमारा। ये देखिए आप पीको का ये धागे वगैरह एक्स्ट्रा रह जाते हैं ना, उनको काट दीजिएगा सीजर वगैरह से, उससे ये है कि कपड़ा जो है ना आपका क्लियरली फिर आगे जाता रहेगा। देखिए आप दिखाते पीको कर देंगे, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन नज़र ने पीको कर रही है मशीन हमारी। कपड़ा निकालने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसका पीको का रिजल्ट माशाल्लाह से बिल्कुल फाइन और खूबसूरत रिजल्ट है पीको का माशाल्लाह। ये देखिए अब मैं आपको इसका ओवरलॉक का तरीका कार जो है वो भी दिखा देता हूँ। ओवरलॉकिंग के लिए दो कपड़ों को जोड़ना होता है और इसके लिए जो लीवर अपर लीवर उसको थ्री पे रख देंगे और मशीन को एम पे रखेंगे। झिकझैग पे ही मशीन हमारा ओवरलॉकिंग करेगी और इस तरीके से हमारा ये लास्ट प्रोसीजर ओवरलॉकिंग का भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। और ये देखें ओवरलॉकिंग का रिजल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया।